Good morning. Good morning, children. How are you all? आप लोग उठ गए हैं ना? और दूध पिया आप लोगों ने? पता है आज मैम भी आपके साथ दूध पीने वाले हैं। पता है क्यों? Because today is World Milk Day. क्या है? World Milk Day. आप लोग सोच रहे होंगे that मैम तो बड़ी है ना? मैम थोड़ी दूध पीते हैं, बड़े लोग थोड़ी दूध पीते हैं, है ना? पर ऐसा नहीं है. You know what? Even grown up people ना, बड़े जैसे मम्मा है, पापा है, दादू दादी है ना, सब लोग दूध पीते हैं. हम लोग को दूध पीना चाहिए, है ना? मुझे बताओ कि हमें दूध क्यों पीना चाहिए? सोचो सोचो. मैम भी सोच रही है. हाँ, पता है दूध पीने से ना हम लोग कैसे बन जाते हैं? छोटा भीम देखा है सबने, है ना? आप लोग सब छोटा भीम जैसे बन जाओगे, एकदम ताकतवर, है ना? और दूध पीने से हाँ हमारे हड्डियां मतलब अवर बोन्स, है ना, हमारे बोन्स बहुत ही स्ट्रांग बन जाएंगे. वी विल बी वेरी स्ट्रांग. अरे जॉय भी आ गया. जॉय मुझे बताओ सच्ची सच्ची, तुम दूध पी के आए हो घर से कि नहीं पी के आए हो? नहीं मैम, मुझे दूध पीना पसंद नहीं है. ये तो बहुत ही गलत बात है जॉय, दूध तो सबको पीना चाहिए. चलो मैम तुम्हें दूध पिलाती है, रुको. तुम जब तक तुम दूध नहीं पियोगे ना, मैम आज कुछ भी नहीं पढ़ाने वाली है. वाओ मैम, ये दूध तो बहुत ही अच्छा है. तो फिर दूध तो हमेशा हमें पीना चाहिए, है ना? सो चिल्ड्रन रिमेम्बर वन थिंग, यू ऑलवेज नीड टू हैव मिल्क, है ना? आपको भी पीना चाहिए और घर में सबको पिलाना चाहिए दूध, है ना? जो दूध नहीं पी रहा है ना उसको बोलना कि सबको दूध पीना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप में से किसी को पता है दैट विच आर द एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क? मुझे ना सबके हैंड्स ऐसे खड़े हुए दिख रहे हैं ना, क्या क्या है? व्हाट आर द एनिमल्स, विच आर द एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क? टेल मी. व्हाट इज दिस? टेल मी. दिस इज अ काउ. क्या है ये? काउ. और काउ कैसे बोलती है दिखाओ तो जरा मुझे, तो सुनाओ कैसे बोलती है काउ. है ना? आप लोग भी ट्राई करो. चलो 1 2 3 चलो साथ में. अच्छा मुझे बताओ कि ये क्या है? क्या है ये? दिस इज अ बफेलो. क्या है ये? बफेलो. एंड बफेलो ऑल्सो गिव्स अस मिल्क. सी बफेलो के बड़े बड़े क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं? हॉर्न्स, या उसको बोलते हैं सिंग. सो बच्चों यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि आज मैम ने बोला है दैट टुडे इट इज वर्ल्ड मिल्क डे, तो मैम आज क्या ऐसा पढ़ाएंगी? पता है मैं आपको एक आज खास जगह लेके जाने वाली हूँ. पता है मैं आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ. पता है उनका नाम क्या है? उनका नाम है रामू काका. क्या नाम है उनका? रामू काका. क्या आप लोग रामू काका से मिलना चाहोगे? रामू काका ना हमें बताएंगे कि दूध जो है वो कैसे बनता है, है ना? तो चलो हम जाके मिलते हैं रामू काका से. नमस्ते रामू काका. ओ राम 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 राम, कैसन हो तुम? मैं तो ठीक हूँ रामू काका, आप कैसे हो? अरे भाई हम तो बढ़िया है, बस देखो अभी हम अपनी गैया से बात कर रहे हैं.
अच्छा, आप अपनी गाय से भी बात कर सकते हो? अरे क्यों नहीं, अरे हमारी गैया का नाम पता है क्या है? क्या नाम है? अरे उसका नाम है पार्वती। अच्छा पार्वती, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। रामू काका, पता है सब बच्चे जानना चाहते हैं कि दूध बनता कैसे है, आपको तो पता ही होगा ना? अरे हाँ बिटुआ, हमें तो सब कुछ आता है, हम तो सालों से यही तो काम करत है। तो क्या आप हमारे बच्चों को बताओगे कि दूध बनता कैसे है और वो कैसे हमारे स्टोर्स में जाता है और कैसे बिकता है? अरे क्यों नहीं, हमें तो बहुत मजा आएगा ये समझाते हुए। तो बच्चों, सबसे पहले ये बताओ कि दूध देता कौन है? दूध जो है वो देती है हमारी गैया, जो कि है पार्वती। चलो पार्वती दूध दो तो। अरे पार्वती को समझ आ रहे है क्या आपकी बात? अरे हाँ हाँ, वो तो हमारी फ्रेंडशिप है ऐसी। अभी पता है पार्वती जब दूध देती है ना, तो उसको ना घास खाना पड़ता है, वो घास खाते खाते ही दूध देती है। अभी ये जो दूध है उसको हमने भरा है ट्रकवा में, और देखो हम भी चढ़ गए ट्रकवा के ऊपर, हम भी तो आएंगे ना आपके साथ दिखाने आपको सब कुछ। तो ये जो दूध है वो ट्रकवा में बैठ के जाएगा एक फैक्ट्री में। कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। अभी फैक्ट्री में पता है क्या होता है? ये जो दूध है उसको बहुत उबालते हैं, उसमें कुछ जीव जंतु अगर होते हैं, कुछ भी होता है तो उसको अच्छे से उबालते हैं, और फिर उसको छोटे छोटे पैकेट में पैक कर देते हैं। अभी देखो ये जो दूधवा है वो पैकेट में पैक हो गया है, तो अभी ये वापस ट्रक में बैठ के पता है कहाँ जाएगा? ये जाएगा दुकान में। ये देखो ये जो दुकान है उसमें दूध जो है वो बिकता है, और सब लोग दूध लेने आते हैं। सरा एक पैकेट दूध देना ना मैडम। अरे मैम साहब, आप एक ही पैकेट दूध लेंगे का? अरे क्या बताऊं, मेरा बेटा तो ना दूध ही नहीं पीता, जैसे तैसे उसको दूध पिलाना पड़ता है मुझे। अरे रामू काका, आप ही मेरे घर आके मेरे बच्चे को जरा समझाओगे कि दूध पीना चाहिए? एकदम दूध नहीं पीता, परेशान हो गई हूँ मैं तो। अरे मुन्नू मेरे बेटे, जरा बाहर आओ तो, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। कौन है मम्मी? अरे देखो रामू काका तुमसे मिलने आए हैं। कौन रामू काका? मैं किसी रामू काका को नहीं जानता। अरे बबुआ, हम है रामू काका, हमने सुना कि तुम दूध ही नहीं पियत है, ऐसा क्यों? अरे मुझे ना दूध पीना पसंद नहीं है, दूध तो ना मुझे ना अजीब लगता है। अरे बबुआ, क्या तुम्हें पता है कितने सारे वो तुम्हारे क्या है वो सुपर हीरो तुम क्या देखते हो टीवी में, वो सब दूध पी के ही तो बड़े हुए, और वो भी रामू काका की पार्वती का दूध, तुम मिलना चाहोगे उनसे? ओई देखो हमारा छोटा भीमवा, पहले कितना कमजोर था, अभी देखो हमारी गैया का दूध पी के जो है वो कितना ताकतवर बन गया है। तुम तो रोज उसको टीवी में मिलते होगे ना, वो पता है मेरा दूध पी के तो बड़ा हुआ है। और ई देखो ये कौन चढ़ रहा है तुम्हारे छत के ऊपर? अरे ई तो स्पाइडर मैन वा है। अरे ये स्पाइडर मैन ऊपर कैसे चढ़ सकता है बताऊं? अरे ये दूध पिया हुआ है,
जब वो छोटा था उसकी उसकी माँ ने उसको इतना दूध पिलाया कि वो जो है वो ऐसे सभी बिल्डिंगों के ऊपर ऐसे तुड़ुम 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 करके फटाक से चढ़ जाता है। और ये देखो तुम्हारा हलकवा कितना मोटा और तगड़ा, और देखो तो सही इसकी जो मसल जो बॉडी है वो देखो तो सही कितनी अच्छी है, वो भी तो दूध पी के ही तो ऐसा बना है। और ई जो ऊपर देख के ऐसे उड़ रहा है, देखो ई कौन है पता है, ई अपना सुपरमैन वा है, सुपरमैन वा ने भी दूध पिया और देखो तो सही ये कैसे ऊपर उड़ रहा है। तो तुमने देखा कि ये सब जो सुपर हीरो है तुम्हारे, वो जो है वो दूध पी के कैसे मोटे और तगड़े हो गए है ना, तो तुम भी तो दूध पियो और एकदम तगड़े बनो और तुम भी तो सुपर हीरो बन सकते हो। अरे मैं भी तो अभी सुपर हीरो बनने वाला हूँ मम्मा, चलो 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 मुझे भी तो दूध पीना है बहुत सारा। अरे रामू काका आपने तो कमाल कर दिया, मेरे मुन्नू को दूध पिलाने के लिए आपने कितना अच्छा समझाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो चिल्ड्रन डिड यू ऑल लाइक हाउ रामू काका एक्सप्लेन्ड हाउ मिल्क इज प्रोड्यूस्ड, है ना, मिल्क जो है वो काउ देती है, फिर वो दूध जो है वो कहाँ जाता है, वो फैक्ट्री में जाता है और वो अच्छे से उसको बॉइल करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको पैश्चराइज करते हैं, मतलब उसको अगर उसके अंदर कुछ भी जर्म्स या कुछ होते हैं ना तो वो सब मर जाते हैं, और फिर वो जो दूध है इसको दूध के पैकेट्स में पैक करते हैं और फिर वो स्टोर्स में जाके देते हैं और वो जो दूध है वो हम पी सकते हैं, है ना। सो चिल्ड्रन चलो आप भी अपना दूध का ग्लास लेके आओ और मैम के साथ दूध पियो, चलो चलो देखो मैम भी पी रही है। यम्मी। अभी आप में से किन किन को स्वीट्स पसंद है, किसको मीठा खाना पसंद है, पता है मैम को भी बहुत पसंद है, तो क्यों ना हम अपने आप आज कुछ मीठा बनाए, है ना, जिसमें गैस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पता है आपको कि आप लोग सीखना चाहते हो। यू नो वॉट, मैम आज आपको एक पुडिंग बनाना सिखाने वाली है और वो पुडिंग जो है ना वो बहुत ही डिलिशियस है, पता है आप लोग सीखना चाहते हो, तो क्विकली चलो फटाफट आप लोग अपनी मम्मा को बोलो कि मम्मा अभी मैं थोड़ी देर में ना आपको कुछ चीजों को कट करने के लिए बोलूंगा, तो आप फटाफट कट करके आना, ठीक है। चलो मैम आपको दिखाती है कि पुडिंग कैसे बनाते हैं। बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग द पुडिंग मुझे बताओ कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क, मिल्क से क्या क्या चीजें बन सकती है जो हम यूज करते हैं। देखो यू नो व्हाट इज दिस, दिस इज क्रीम, क्या है क्रीम, ये भी दूध से बनता है। एंड व्हाट इज दिस, कैन एनीवन टेल मी, दिस इज यम्मी चीज, है ना, चीज हम कहाँ कहाँ डालते हैं, सैंडविच में डालते हैं, बर्गर पिज्जा, डिलीशियस ना। और दिस इज बटर, है ना, बटर भी दूध से बनता है। एंड टेल मी व्हाट इज दिस, कोई बता सकता है, सबको पसंद है ना ये, दिस इज पनीर, है ना, पनीर जो है हम उसकी है ना सब्जी बना सकते हैं, फिर पनीर के पराठे बना सकते हैं, पनीर को ना ऐसे भी खा सकते हैं। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क, लेट अस ऑल रिवाइज, दिस इज पनीर, क्रीम, चीज एंड बटर। सो चलो अभी हम यम्मी पुडिंग बनाएंगे और वो भी बहुत इजी है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू नीड, मम्मा को बोलो कि मम्मा मुझे चाहिए छोटे छोटे बनानास, वो भी कटे हुए, आप लोग मत काटना, ठीक है।
देन यू विल नीड छोटे छोटे एप्पल्स. देन टेल मम्मा दैट मम्मा मुझे ना शुगर चाहिए, पिसी हुई है ना, ग्राउंड शुगर. देन यू विल नीड द क्रीम, राइट. देन यू विल नीड द मिल्क, लिटिल बिट ऑफ मिल्क. एंड दीज आर, क्या है पता है आपको, ये है पार्ले जी बिस्किट्स, है ना, पसंद है ना आपको. नाउ बिफोर वी स्टार्ट, रिमेंबर वन थिंग, जब हम कुछ भी किचन में काम कर रहे हैं, है ना, वी शुड ऑलवेज फर्स्ट क्या करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स, ठीक है ना. ओके चलो नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू मेक द यम्मी पुडिंग. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, आपको एक पार्ले जी का बिस्किट लेना है, ठीक है, लाइक दिस, एंड यू विल हैव टू डिप इट इन द मिल्क, ठीक है ना, इसको ऐसे मिल्क में हमें डिप करना है, और यू विल हैव टू कीप इट इन द ऐसे बाउल में या कंटेनर में, ऐसे. वैसे ही आपको टेक अनादर पार्ले जी बिस्किट एंड डिप इट हियर, फिर एक और लो और उसको दो टुकड़े कर दो, ठीक है, लाइक दिस. एंड वन मोर लाइक दिस. अभी भी जगह बची हुई है ना, तो हम लोग और पार्ले जी के टुकड़े डाल सकते हैं, लाइक दिस. टेक इट, डिप इट एंड ऐसे रख दो. ओके सो अभी हमने ये जो हमारे बिस्किट्स है उसको साइड में रख दिया है. नाउ टेक द क्रीम, ठीक है ना, क्रीम जो है उसके अंदर एड शुगर. सो यू विल एड शुगर इन साइड, बहुत ज्यादा नहीं. एंड क्या करना है उसको, हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, जेंटली यू हैव टू मिक्स, है ना, जरा भी हमें जोर जोर से उसको मिक्स नहीं करना है, ठीक है ना. अगर आप जोर से मिक्स करोगे तो आप क्या करोगे, सब कुछ किचन में गंदा कर दोगे, है ना. तो है ना, सब अच्छे से उसको जेंटली जस्ट मिक्स इट लाइक दिस, है ना. व्हेन यू सी दैट शुगर इज अंदर, पूरा चीनी जो है वो ऐसे घुल गया है ना, देखो. नाउ Now see, all the sugar inside the cream is dissolved. Now what will we add? हम लोग इसमें डालेंगे थोड़े से bananas. And then you will add little bit of apple, है ना, और apple का जो छिलका है ना, always you should have that because it's very rich in vitamins and minerals. अभी हमने डाल दिया सब कुछ और अभी अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है. सो नाउ ये हमारा जो क्रीम का मिक्सचर है दैट इज रेडी, एंड दिस इज आवर पार्ले जी बिस्किट्स जो हमने मिल्क में डिप किए थे. सो नाउ व्हाट विल वी डू, ये सब कुछ हम इसमें ऐड कर देंगे. सी यम्मी, सी कैन यू सी हियर, और अभी हमारा पुडिंग जो है वो रेडी हो गया है, बट अभी हम इसको खा नहीं सकते, हमें इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है, ठीक है ना. तो नाउ व्हाट विल वी डू, विल टेक वन पार्ले जी बिस्किट और उसको ऐसे हाथ में डाल के चूरा करेंगे, है ना, चूरा कर दो, चूरा ऐसे, और इसको ऐसे ऊपर डाल दो, ठीक है ना. सी चिल्ड्रन, योर पुडिंग इज रेडी. नाउ मैम इज गोइंग टू डिप इट इन, गोइंग टू कीप इट इन द फ्रिज. सो चिल्ड्रन, योर पुडिंग इज रेडी एंड नाउ इट्स यम्मी, है ना, इट्स वेरी यम्मी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हमने फ्रूट्स डाले हैं, है ना, बिस्किट डाला हुआ है, सो इट्स वेरी यम्मी.
और हमने इसमें कौन सा मिल्क प्रोडक्ट यूज किया है, टेल मी, वी यूज द क्रीम, है ना। और हमने जो बिस्किट्स है उसको किस में डिप किया था, जल्दी बताओ, हमने उसको डिप किया था इन द मिल्क। सो इन दिस पुडिंग वी हैव यूज्ड मिल्क एंड फ्रेश क्रीम। सो चिल्ड्रन, मजा आया आपको? आज हमने कितनी सारी चीजें सीखी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न्ड अबाउट एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क। दोज आर क्या ये काउ, और ये क्या है, दिस इज द बफलो। और कोई एनिमल्स है क्या जो मिल्क देते हैं, जैसे कि गोट भी देती है हमें मिल्क, पता है आपको, इवन गोट गिव्स अस मिल्क। उसके बाद हम किससे मिले, कौन है ये, ये है रामू काका। मजा आया ना आपको रामू काका से मिलके, है ना। उन्होंने हमें सब कुछ समझाया कि दूध कैसे बनता है और कैसे ये फैक्ट्री में जाके प्रोसेस होता है और फिर स्टोर्स में जाता है ना। मजा आया ना। और उन्होंने मोनू को भी समझाया कि देखो तुम्हें दूध पीना चाहिए, है ना, तो तुम क्या बनोगे, सुपर हीरो। किसकी तरह बनोगे, क्या है ये है स्पाइडरमैन, फिर छोटा भीम, है ना, फिर ये उड़ता कौन ऐसे, वो है सुपरमैन, और ऐसे बड़ा सा वो कौन था, हल्क, है ना। और लास्ट में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क, है ना, क्या क्या है प्रोडक्ट्स मिल्क के, हो गया पनीर, देन क्रीम, देन चीज एंड बटर, है ना। एंड लास्टली हमने एक यम्मी पुडिंग बनाना सीखा, है ना, उसमें सब फ्रूट्स वगैरह हमने डाले हुए थे, है ना, और क्या क्या था उसके अंदर, कौन सा मिल्क प्रोडक्ट था, क्रीम, है ना, क्रीम डाला था हमने, और कितना यम्मी पुडिंग बनाए, है ना। पता है मैम ने अभी उसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखा है, तो आप लोग भी ये पुडिंग बनाओ और उसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखो, है ना, बीच बीच में फ्रिज खोल के चेक नहीं करना है, ठीक है ना, कि पुडिंग जमा कि नहीं जमा। वेट फॉर 2 or 3 hours इन द फ्रिज, यू हैव टू कीप द पुडिंग इन द फ्रिज एंड देन यू विल हैव योर यम्मी पुडिंग, और सबको चखाना कि देखो मैंने ये पुडिंग बनाया। और लास्टली सिंस टुडे इज क्या है, आज वर्ल्ड मिल्क डे, सो जैसे हम पिंकी प्रॉमिस करते हैं ना, क्या करते हैं, पिंकी प्रॉमिस, वैसे हम आज कौन सा प्रॉमिस करेंगे, आज हम करेंगे अ मिल्की प्रॉमिस। क्या करेंगे, मिल्की प्रॉमिस, एंड व्हाट इज दैट प्रॉमिस, द प्रॉमिस इज कि हम लोग रोज दूध पिएंगे, ठीक है ना, और कभी हम दूध पीने से मना नहीं करेंगे, और अगर कोई दूध नहीं पी रहा है तो आपको उसको समझाना है दैट यू नीड टू हैव योर मिल्क रेगुलरली, ठीक है ना। सो ये आपने मिल्की प्रॉमिस लिया ना, है ना, सबने ले लिया, वेरी गुड। सो चिल्ड्रेन गो क्विकली एंड मेक योर पुडिंग, है ना, और थोड़ा ना अपने पेरेंट्स को भी चखाना, ठीक है, सब कुछ अपने आप नहीं खा जाना है, सबको चखाना है ना। ओके, सो नाउ मैम इज टेलिंग यू बाय, और मैम बाय बोलते बोलते क्या करेगी पता है आपको,